हाथरस की दिल दहला देने वाली घटना को लेकर देश के कोने कोने में जनता के बीच गुस्सा और आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। एक बार फिर से जनता सड़कों पर उतर आई है। योगी सरकार आम जनता पर विपक्षी दलों के निशाने पर है। स्मृति ईरानी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसा है। निर्भया कांड के दौरान उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने वाली स्मृति ईरानी फिलहाल इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप है। अब इन सबके बीच में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि राहुल ने एक फेक न्यूज इस बेहद संवेदनशील मुद्दे के साथ फैला दी है। राहुल गांधी ने हाथरस मामले में लोगों को भड़काने और सनसनी फैलाने का दावा किया है। राहुल ने कहा है, पुलिस प्रशासन ने जल्दी जल्दी में पीड़िता का अंतिम संस्कार करा के परिवार को अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए। राहुल ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, भारत की एक बेटी के साथ दुष्कर्म कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। ये अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। हाथरस पुलिस ने राहुल गांधी के दावे का खंडन करते हुए कहा, कतिपय सोशल मीडिया के माध्यम से ये झूठी खबर फैलाई जा रही है। थाना चंदपाश क्षेत्रांतर्गत दुर्भाग्यपूर्ण घटित घटना में मृतिका के शव का अंतिम संस्कार बिना परिजनों की अनुमति के पुलिस ने जबरन रात में करा दिया। ये खबर भ्रामक है। हाथरस पुलिस इस खबर का खंडन करती है। सच्चाई ये है कि पुलिस एवं प्रशासन की देखरेख में परिजनों द्वारा ही रीति रिवाज के साथ मृतिका के शव का अंतिम संस्कार किया गया है। आपको बता दें, यूपीए के 10 साल के शासन में कांग्रेस पार्टी जीएसटी को लेकर तमाम राज्यों के बीच आम राय नहीं बना पाई, क्योंकि उसका जीएसटी को लेकर कोई साफ रुख नहीं था। तब से लेकर अब तक लगातार राहुल गांधी की ओर से नोटबंदी पर, जीएसटी पर, कोरोना वायरस पर, रायबरेली पर कई ऐसी बातें कही गई हैं जिनका जांच पड़ताल जब किया गया तो वो बातें पूरी तरह से झूठी साबित हुई। महंगाई को लेकर, महिला साक्षरता के आंकड़ों को लेकर, 45,000 करोड़ एकड़ जमीन गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसे ही तथ्यों का इस्तेमाल किया था जो बाद में झूठे साबित हो गए। स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर, लोकसभा सदस्यों की संख्या को लेकर, इंदिरा कैंटीन को लेकर, महाभारत काल पर, 2 करोड़ रोजगार पर राहुल गांधी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जो बाद में झूठे और बेबुनियादी साबित होते हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।